हेलो दोस्तों, डिजिटल इन्वेस्टमेंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर अपने बच्चे से आप नौकरी करवाना चाहते हैं तो आप इन्वेस्टमेंट मत करना। अगर अपने बच्चे को आप अधिक से ज्यादा नहीं पढ़ाना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट मत करना। दोस्तों, जो ये सोचते हैं, अरे कल किसने देखा है यार, जो इन्वेस्टमेंट नहीं करता वो बाद में बहुत ही पछताता है। अगर आज से आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका भविष्य अच्छा होगा, अगर आज से इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो आपका भविष्य बहुत ही खराब रहेगा। आपका बच्चा आपके बारे में बहुत बुरा बुरा बोलेगा क्योंकि आपने उसके लिए कुछ किया नहीं है। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, दोस्तों इन्वेस्टमेंट जरूर करो, अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए करो इन्वेस्टमेंट। उनकी पढ़ाई अच्छी होगी, उनको कल को कोई बिजनेस भी करके दे दोगे, और नौकरी नहीं करना चाहता उसको कल को कोई बिजनेस भी करके दे सकते हो आप। इसलिए आज से ही इन्वेस्टमेंट शुरू करो, चाहे थोड़ा करो चाहे ज्यादा करो, जितने आप एडजस्ट कर हो सकते हैं इतना इन्वेस्टमेंट करो। उसके बाद दोस्तों हम बहुत ही अच्छे स्टॉक का हम एनालाइज करेंगे, उसका बिजनेस मॉडल देखेंगे, उसके पिछले सालों में क्या क्या पूरा एनालाइज करेंगे जिससे आपको इन्वेस्टमेंट करने में बेनिफिट हो जाए। दोस्तों, जिस कंपनी का आज हम एनालाइज करेंगे वो ऊना मेट्रो, सबसे बड़ी ऑटो घटक निर्माण कंपनी है। उसके बाद जो स्विच प्लेट सबसे बड़ी है इंडिया की, उसके बाद सबसे दूसरे नंबर पर है लाइटिंग, ऑटो लाइटिंग कंपनी है, जिसका मटेरियल देखिए क्या क्या ये बनाती है। देखो, ये ना तो फोर व्हीलर बनाती है ना टू व्हीलर बनाती है, सिर्फ उनके पार्ट बनाती है। ये सीट बेल्ट का पार्ट बना रही है, उसके बनाती है लाइट बनाती है, स्विच बनाती है, और इस तरह के ये पार्ट बनाती है जिससे इसको इनकम बहुत अच्छी होती है, जिसका बिजनेस मॉडल देखिए बहुत ही अच्छी होता है। जो बैटरी के पार्ट ये कंपनी बनाती है, ये टू व्हीलर और फोर व्हीलर दोनों के पार्ट बनाती है, जहां इसको बिजनेस होती है। देखो, लाइट से इसको 24% की इनकम होती है, स्विच से इसको 35% की इनकम होती है, और LMT से 15% की इनकम होती है, ऑटो टिक्स से 10% की इनकम होती है, और उधर से 16% की इनकम होती है। देखो, और OEM से 86% की इनकम होती है, और रिसीवमेंट से 14% की इनकम होती है, टू व्हीलर से 48% की इनकम होती है, और फोर व्हीलर से 52% की इनकम होती है। दोस्तों देखो, इनकम कैसी हो रही है इसको, इस तरह से इसका इनकम होती है, अच्छी इनकम हो रही है। देखो, जो बाहर से इसको इनकम होती है 83% से, जो अंतरराष्ट्रीय बाहरले देशों से इसको 17% की इनकम होती है। देखो, इनकम होती है, इनकम भी अच्छी हो रही है, हर जगह से इनकम देखो कैसी हो रही है। जिसके उत्पादन श्रृंखला देखिए हम 20 श्रेणियों में निर्माण करती है कंपनी, और जो 260 इसके पास पेंटर है और 250 इसके पास डिजाइन है। देखो, डिजाइन भी अच्छे हैं, श्रेणियां भी निर्माण करते हैं, जो 20 से अधिक श्रेणियों में काम करती है। उसके जो इसके क्लाइंट देखिए हम, क्लाइंट देखो, क्लाइंट भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है इसकी, होंडा मोटरसाइकिल, उसके हीरो होंडा और रॉयल फील्ड और यम्मा मोटर्स। देखो, ये कस्टमर इसके, ये ग्राहक है इसके, जो यहाँ से इसका अच्छा बिजनेस हो जाता है। जो प्लांट है भारत, इंडोनेशिया, वियतनाम में इसके बास्ट प्लांट है, उसके जापान और इटली और ताइवान 12 अंधेर इंजीनियरिंग केंद्र है इसके पास। देखो, अच्छा, यहाँ से भी विदेशों में अच्छी पकड़ है इस कंपनी की। उसके बाद हम देखें दोस्तों, इसका जो मार्केट कैप्चर है 32,000 करोड़ का मार्केट कैप्चर है इसका। जो स्टॉक पे है 57.7, जिसका बुक वैल्यू है 64.6, जो ROC है 13.8, जो ROE है 12.1%, जो फेस वैल्यू है 2, जो ये डिविडेंड दे रही है 0.22 का डिविडेंड दे रही है। उसके बाद दोस्तों सेल एंड ग्रोथ देखिए हम, 10 साल में 22%, 5 साल में 20% और 3 साल में 12% से कंपनी में सेल में ग्रोथ की है। और जो हम प्रॉफिट ग्रोथ में देखें, 10 साल में 34%, 5 साल में 16% और 3 साल में 7% से कंपनी में प्रॉफिट में ग्रोथ की है। और जो हम कंपनी का CGR देखें, 10 साल में 54% से CGR बढ़ रहा है कंपनी का, और 5 साल में 22% से CGR बढ़ रहा है, और 3 साल से 48% का CGR बढ़ रहा है कंपनी का। देखो, यहाँ पर CGR भी अच्छा बढ़ रहा है और प्रॉफिट ग्रोथ भी, और जो सेल ग्रोथ देखे वो भी ठीक बढ़ रही है कंपनी। उसके बाद हम कंपनी के पास रिजर्व देखे, देखो पैसा भी अच्छा मेंटेन कर रखा है, 3,639 करोड़ कंपनी के पास रिजर्व है, और जो बोरिंग है 1,039 का बोरिंग है कंपनी में, मतलब रिजर्व आगे अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कंपनी के पास अच्छा रिजर्व है। और जो बोरिंग है मात्र ना के बराबर 1,039 करोड़ का बोरिंग है, कम है मैं तो बोल रही हूँ। जो प्रमोटर ने बहुत अच्छी होल्डिंग कर रखी है दोस्तों, इसमें 70.11 की प्रमोटर ने होल्डिंग कर रखी है। जो FL की होल्डिंग है 0.97 का, और जो DL का होल्डिंग है 13.95 का, और जो पब्लिक के पास होल्डिंग है 6.88 का। और जिसका हम क्वार्टर रिजल्ट देखें, जून का और मार्च का हम देखें,
जून का था 2555 करोड़ का और सितंबर का 2877। देखो यहां पर इसकी सेल में बढ़ोतरी तो ये अच्छी, और जो नेट प्रॉफिट देखे जून का 150 था, जो वही सितंबर का 182, यहां पर भी नेट प्रॉफिट भी अच्छा बढ़ा है कंपनी का। और जो हम इसके बाद साल का देखें, 2021 का 6374 करोड़ था, वही 2022 में 8313 करोड़ का है। और जो हम नेट प्रॉफिट देखे दोस्तों, इसका 248 करोड़ था, वही फिर 2022 का 413 हो गया दोस्तों, यहाँ पर ये डबल हो गया। देखो अच्छा बढ़ा है एकदम नेट प्रॉफिट साल का भी। और जो शेयर प्राइस चला है दोस्तों 558, जो 5 साल का इसका रिटर्न दिया है 169, जो 1 साल का दिया है इसने 23%। जो अगर हम मैं लॉन्ग इन्वेस्टर क्यों बोलता हूँ दोस्तों, 2007 में इस स्टॉक का मात्र 6 रुपए शेयर प्राइस चल रहा था। अगर आप उस टाइम मात्र ज्यादा 10,020 में इन्वेस्टमेंट करते तो आज आपका पैसा कहां से कहां पहुंच जाता दोस्तों, 2007 में ओनली 6 रुपए चल रहा था। तो ये है दोस्तों लॉन्ग इन्वेस्टर की पावर, अगर आप लॉन्ग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये है 6 रुपए का आज आपको 558 रुपए में शेयर प्राइस मिल रहा है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों इस वीडियो में अगर आपको कहीं पर कोई मिस्टेक लगे या फिर मेरा थंबनेल अच्छा ना लगे या फिर मेरा बोलने का कोई भी आपको गलती लगे तो दोस्तों कमेंट में जरूर बताना कि जिससे मैं अपनी गलती को सुधारने का मौका मिले। अगर आप मुझे बताएंगे कि ऐसे नहीं ऐसे वीडियो बनाना है दोस्तों, मैं उसी तरह से वीडियो बनाऊंगा और आपके सपोर्ट से बनाऊंगा।